नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 2.4 को समझने के लिए पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा। क्या समझना है? देखिए, दशमलव संख्या जो होती है, दशमलव यानी पॉइंट वाली संख्या, वे आपको दो प्रकार की मिल सकती है। दो प्रकार की मिल सकती है, 2.4 के अनुसार बता रहा हूँ मैं। क्या क्या हो सकती है? एक तो है शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। एक है अशांत, अशांत दशमलव संख्या। अब शांत दशमलव संख्या क्या होती है? जैसे मैंने एक संख्या ली 3/2, यानी 3 में मुझे भाग देना है 2 का। कितनी बार गया? 2 एकम 2, एक बार गया। 3 में से 2 गया, बचा 1। अब मैंने पॉइंट लगाया यानी दशमलव लगाया, तो पॉइंट लगाने के बाद यहाँ आएगा 1 0, 5 2 10। 10 में से 10 गया 0, यानी भाग पूरा पूरा चला गया। और इसका उत्तर क्या आया? 1.5, यानी शेषफल 0 आ गया, यानी ये क्या हो गया? शांत हो गया। अब दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ 2/3 का, यानी मुझे अब 2 में भाग लगाना है 3 का। तो पॉइंट भाग नहीं जा रहा है, तो पहले मैं क्या लगाऊंगा? 0 लगा के दशमलव लगाऊंगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो 6 3 18, पीछे बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, 6 3 18, पीछे बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, 6 3 18, पीछे बचा 2। इस प्रकार से ये भाग कभी ख़त्म नहीं होगा। तो दशमलव के बाद भाग समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या। तो अब इतना करना पड़ेगा, यानी हमें भाग करके चेक करना पड़ेगा कि वो दशमलव है या नहीं। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, हमारे 2.4 में एक प्रमेय है। क्या प्रमेय है? कि अगर कोई भी p/q एक परिमेय संख्या है, p/q एक परिमेय संख्या है, ये आपका क्या हो गया? अंश। और ये क्या हो गया? हर। यदि हर 2 की घात m × 5 की घात n का रूप बन जाए, यदि हर 2 की घात m × 5 की घात n का रूप बन जाए, तो वह संख्या क्या बन जाएगी? शांत दशमलव संख्या। और अगर ऐसा नहीं होता है, 2 की घात m × 5 की घात n के अतिरिक्त भी कोई संख्या आ जाती है, तो वह क्या हो जाएगी? अशांत दशमलव संख्या। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए एक संख्या ले ली मैंने 25/30, 25/30। 25 को हमें कुछ नहीं करना है, 30 के मुझे क्या करने? अभाज्य गुणनखंड करने। तो 30 के मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा, 2 का भाग जाएगा, अब 15 बार गया, अब 3 का भाग जाएगा, 5 3 15, फिर 5 एकम 5। तो अब देखिए यहाँ पर 2 × 3 × 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 25/2 की घात n 1 × 5 की घात 1 × 3 की घात 1। हमने पढ़ा था अगर 2 की घात m × 5 की घात n हो जाता है, यहाँ पर घात एक एक है, यानी m = 1 और n = 1 है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा क्या आ गया? 3 आ गया। इसलिए ये जो संख्या होगी वो शांत दशमलव संख्या नहीं होगी। यानी जो हर है वो केवल और केवल क्या होना चाहिए? 2 की घात m और 5 की घात n का रूप होना चाहिए। इसकी जगह कुछ भी होता है तो वह अशांत दशमलव संख्या होगी। एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 3/50, 3/50, हमें क्या करना है? इस हर के अभाज्य गुणनखंड कराने हैं। 2 का भाग दिया 25 बार, अब 5 का भाग देंगे, 5 25, फिर 5 का भाग 1 बार। तो ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे? 3/50 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 × 5। और क्या लिख सकते हैं? 3/2 की घात 1 × 5 की घात 2, 2 बार गुणा हो रहा है तो 5 की घात 2। अब देखो ये जो हर है
वह 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप है, n का रूप है। अतः हम कह सकते हैं कि 3/50 जो है वह एक कैसी संख्या है? शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। बस अगर इतना सा आपको समझ में आ गया तो आपका प्रश्न संख्या 1 आराम से हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 का पहला प्रश्न क्या है देखिए, 15/1600। हमें क्या करना है? हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। ये रफ कॉपी का कार्य है आपके। 1600 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 8 2 16, फिर 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 2 का भाग गया 2 बार, 100 50 25, 5, 5 का भाग 5 बार, और ये 1। तो 2 की कितनी घात? 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 15/2 6 इंटू 5 की घात 2। अब देखिए यहाँ पर 2 की घात m और 5 की घात n का रूप मिला। यह 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप है। अतः 15/1600 एक शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है, और यह आपका 1 नंबर। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 2। ये 100% ऐसे प्रश्न आएंगे, फिक्स है, हर साल एक प्रश्न बनता है 31-25। तो हर के क्या कराएंगे? अभाज्य गुणनखंड। पीछे अगर 5 हो तो हमें भाग किसका देना है? 5 का। तो 5 का भाग देते हैं, 3 में जाएगा नहीं, 31 में देंगे, 6 5 34, पीछे बचा 1, 5 2 10 और 5 5 25। वापस 5 का देंगे, 5 1 5, पीछे बचा 1, 5 2 10 और 5 5 25। फिर 5 का देंगे, 5 2 10 5 5 25, फिर 5 का 5 5 25, 5 1 5। तो 1 2 3 4 5, 5 की कितनी घात? 5। यानी हम इसको क्या लिखेंगे? 13/5 5। अब आप देखिए यहाँ 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 2 × 2 की घात 0 लिख सकता हूँ। और 2 की घात 0 का मतलब कितना हो गया? 2 की घात 0 का मतलब हो गया 1। यानी हम ऐसा कर सकते हैं। तो अगर केवल 2 की घात m आ जाए या केवल 5 की घात n आ जाए तो वह भी दशमलव संख्या कैसी होगी? शांत होगी। तो हम कह सकते हैं जो कि 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप है। अतः 13/3125 एक शांत दशमलव संख्या है। यह आपका 1 नंबर। ऐसा एक प्रश्न 100% आएगा आपके, इसलिए इस प्रश्न को समझना जरूरी है। प्रश्न संख्या 3, 23/2 3 इंटू 5 की घात 2। ये तो यहाँ पर स्पष्ट दे दिया इसने कि यह कैसा रूप है? 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप है। अतः 23/2 3 इंटू 5 की घात 2 एक कैसी संख्या हो गई? शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। यहाँ पर आप हिंदी में लिख देना लाइन, मैं नेक्स्ट प्रश्न ले रहा हूँ। ये देखिए 2 की घात 3, 5 की घात 2, इसने डायरेक्ट ऐसा दे दिया। तो आपको केवल एक लाइन लिखनी है, यह है 1 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप है, इसलिए यह एक कैसी संख्या है? शांत दशमलव संख्या। प्रश्न संख्या 4, 17/6 क्या करेंगे? जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं? 6 को, 17/2 × 3, 3 2 6। अब यहाँ देखो 2 की घात तो m है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, और क्या एक्स्ट्रा आ गया? 3 आ गया। अगर 2 आ जाए, 5 आ जाए और 3 भी आ जाए तो भी वह अशांत होगी, शांत नहीं होगी। शांत कब होगी? जब केवल 2 और 5 की घात आए तभी शांत होगी, नहीं तो शांत नहीं होगी। यह 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप
नहीं है, अतः 17/6 एक अशांत दशमलव संख्या है। या क्या लिख सकते हैं? अतः यह शांत दशमलव संख्या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, 129/2 × 5^7 × 7^5 एक्स्ट्रा आ गया 7^5। तो हम क्या लिख सकते हैं? यह शांत दशमलव संख्या नहीं है क्योंकि यह 2^m × 5^n का रूप नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 6, 35/50। आप सीधा भी कर सकते हैं, 35/50 को क्या लिख सकता हूँ? 5 × 10 = 35/5 इंटू 10 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 5, 35/2 आगे आ जाएगा, 5^2। अब यह 2^m × 5^n का रूप है, अतः यह शांत दशमलव संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न 7/80। या तो अभाज्य गुणनखंड कराओ या फिर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी कर सकते हैं। 7/80 इसको क्या लिख सकते हैं? 8 × 10, फिर 7/2 को, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2^3 कितना होता है? 8, तो सीधा लिख दो 2^3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 2। अब यहाँ पर 2^3 और 2 एक घात और है, तो कितना हो गया? 2^4 × 5^1। यह 2^m × 5^n का रूप है, अतः यह एक शांत दशमलव संख्या है। ऐसा प्रश्न 1 नंबर का हर वर्ष पूछा जाता है, तो आपको इस प्रश्न को मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको समझ में, और ऐसा समझना है कि आप भूल नहीं पाए एग्ज़ाम तक। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ मुझे दिन के इतने लाइक आ रहे हैं और मैं जल्दी से जल्दी पूरा कोर्स अपलोड कर सकूँ। धन्यवाद।